नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं चक्रव्यू। लखीमपुर खीरी की हिंसा के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में रेल रोको आंदोलन किया। मोर्चे का कहना है कि लखीमपुर मामले की निष्पक्ष जांच जब तक नहीं हो सकती जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाता। ऐसे में संगठन के नेताओं की मांग है कि मिश्र को मंत्रिमंडल से हटाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाए और इसीलिए मोर्चे ने ये लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर आज पूरे देश में रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में जो भी घटना हुई उसके बाद से ही किसानों में और देश भर के लोगों में गुस्सा देखने के लिए मिला था और इसीलिए जब तक उस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती तब तक किसान लगातार इसी तरह से अपना विरोध जताते रहेंगे। और इसीलिए किसानों ने ये पहले से ही कह दिया था कि 18 अक्टूबर को हम देश भर में रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज इस आंदोलन का असर देश के कई हिस्सों में देखने के लिए मिला। अलग अलग जगहों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे नजर आए। हालांकि सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से थी लेकिन वहां पर कोई भी तरह की दिक्कत लोगों को नहीं हुई, लेकिन जो लोग रेल से यात्रा कर रहे थे उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि जगह जगह पर ट्रेनें रोकी गई थी, जगह जगह पर यात्रियों को इसी तरह की परेशानी हुई थी। आपको बता दें कि इस किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली से लेकर रोहतक, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, बहादुरगढ़, अंबाला, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, मेरठ, गाजियाबाद जैसे कई इलाकों पर रेल ट्रैफिक पर ज्यादा असर पड़ा है। इनके साथ इन रूट्स पर इससे पहले भी कई बार अलग अलग जगहों पर किसान रेलवे ट्रैक जाम कर चुके हैं और सबसे ज्यादा इसका असर पश्चिमी यूपी में देखा गया। ऐसे में रेवाड़ी में भी किसान दिल्ली जयपुर हाईवे के जयसिंह खेड़ा बॉर्डर पर 10 महीने से धरना दे रहे थे। आज किसान राजस्थान की सीमा में अजरका रेलवे स्टेशन पर रेवाड़ी अलवर रेलवे स्टेशन ट्रैक पर भी बैठे थे। ऐसे में किसानों का आपको बता दें कि ये रेल रोको आंदोलन सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक था, तो अब ट्रेनों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है क्योंकि 4 बज चुके हैं। किसानों का ये आंदोलन अब खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसान जिस तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, इन सब के बावजूद भी सरकार आखिर चुप क्यों है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस तरह से रेल रोको आंदोलन या फिर भारत बंद करने से क्या रास्ता निकलेगा आगे का, या फिर किसानों को इससे क्या कुछ फायदा हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। इसीलिए आज इसी पर चर्चा भी करेंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे जिनसे इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि लगातार किसानों के मन में सवाल है। किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है कि जब तक अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, इस पूरे मामले में जांच ढंग से नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका कहना है कि पद पर रहने के साथ साथ उनके खिलाफ जांच नहीं हो सकती, इसीलिए उन्हें पद से हटाया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए, उसके बाद इस पूरे मामले में जाँच हो सकती है। लेकिन जाँच अब भी चल रही है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा पुलिस के गिरफ्त में है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन ऐसे में किसानों की एक ही मांग है कि अजय मिश्रा को भी बर्खास्त किया जाए। इसीलिए आज ये जगह जगह पर रेल रोको आंदोलन किया। हालांकि तमाम जगह पर कुछ किसान नेताओं को नजरबंद भी किया गया क्योंकि और इसीलिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम थे, क्योंकि आज कोई और घटना ना हो जाए, किसी और तरह की हिंसा ना हो, इसको देखते हुए सरकार पूरी तरह से तैयार थी, प्रशासन पूरी तरह से तैयार था, इसीलिए सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा जगह जगह पर बढ़ाई गई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि रेवाड़ी स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के अलावा बावल समेत स्टेशन पर जीआरपीएफ, आरपीएफ और रेवाड़ी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के रेवाड़ी अध्यक्ष कामरेड राजेंद्र सिंह ने बताया था कि सभी कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से पहले रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में इकट्ठा हो गए थे और यहाँ से वो प्रदर्शन करते हुए रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, जहाँ पर रेवाड़ी दिल्ली ट्रैक को जाम किया गया था। इसीलिए कई ट्रेनों का
रूट्स भी डाइवर्ट कर दिया था, कई ट्रेनों का समय बदल दिया गया था। और अगर यूपी के बात की जाए, पश्चिमी यूपी की, तो वहां सबसे ज्यादा असर देखा गया। गाजियाबाद, मेरठ, मोदीनगर, मुजफ्फरनगर, यहां पर सबसे ज्यादा ट्रेनें रोकी गई। लोगों को परेशानी हुई क्योंकि ट्रेन 4 बजे तक रोकी गई थी। हालांकि अब पूरे सामान्य तौर पर ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन दिक्कतें लोगों को कहीं ना कहीं ये देखी गई थी। लगातार किसानों का ये कहना है, किसान ये कहते हैं कि हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी इसमें होती तो है, वो है सिर्फ आम जनता को। और इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज ये रोहतक में किसानों ने रेलवे स्टेशन रोहतक और मकडोड़ी जसिया रेलवे फाटक पर भी रेल रोकी। और ऐसे में तमाम दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ी, यात्रियों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए कई जगह किसानों ने भंडारे की भी व्यवस्था की थी। कई जगह किसान ट्रेनों में यात्रियों को खाना देते हुए भी नजर आए थे। और इसीलिए किसानों की तरफ से यात्रियों को दी गई थी सुविधा कि उन्हें खाना पीना दिया जाए, लेकिन ऐसे में तमाम दिक्कतें लोगों को हो रही थी और इसीलिए सुरक्षा के भी इंतज़ाम किए गए थे। और अब आपको बता दूं कि जैसा कि कहा था कि चर्चा करेंगे, इसी पे सवाल जवाब करेंगे, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभी आपको बता दें, बीकेयू नेता विनोद जटोली हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? जी जी, आ रही है। विनोद जी, आज ये रेल रोको आंदोलन आपके किसानों की तरफ से किया गया था, इससे हल निकलेगा क्या? और उम्मीद करूंगी कि जितना सीधे तरीके से मैंने आपसे सवाल किया, उसी तरीके से आप भी जवाब देंगे, घुमाएंगे फिराएंगे नई बातों को। नहीं नहीं, देखिए, हल सरकार को निकालना, बस 11 महीने से बैठे एक मंत्री के बेटे ने किस तरह से किसानों को रोंदा है वो सबको पता है। बहुत बर्खास्त की उसकी हुई नहीं है। कांग्रेस के टाइम में भी मंत्रियों पर घोटाले लगे थे, वो भी सिटिंग मंत्रियां जेल गए हैं, तो ऐसी सरकार में ऐसा क्या है कि मंत्री जेल नहीं गया? मंत्री ने बयान दिया 4 दिन पहले घटना से कि मेरा इतिहास खंगाल लो, मैं कौन हूँ, मुझे ऐसा वैसा मत समझो, 2 मिनट में सुधार दूंगा, सारी चीज़ें हुई हैं। तो क्यों मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जा रहा? क्या जाँच सही हो सकती है? अगर थानेदार के खिलाफ वो थाना अध्यक्ष रहेगा तो उसके खिलाफ कौन थाने का आदमी जांच करेगा? कौन सा जांच सही नहीं हो सकती है ना, इसलिए हमारी मांग है कि उसकी बर्खास्तगी हो और सही तरीके से जांच हो। ठीक है विनोद जी, आप जांच की बात कहते हैं, लेकिन आज जो आपने ये रेल रोको आंदोलन किया, अब जांच हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, देखिए, क्या आंदोलन देश में होते नहीं है कि अपनी बात को कहने का अधिकार है? अब वहाँ फैसला भी हो गया, सारी बातें मान ली प्रशासन के बीच में, हम लोगों ने आकर के उनका सही तरीके से हल निकलवा दिया, लेकिन उसकी बर्खास्त की क्यों नहीं है? भाई, हमारा आंदोलन ये इसलिए तो है कि भाई हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस आदमी को बर्खास्त कर दो, कोई तो तरीका होगा ना अपनी बात कहने का, सरकार सुन नहीं रही है। तो किसी क्या सिर्फ अपनी बात कहने का एक यही तरीका बचा है क्या आप लोगों के पास? नहीं तो सरकार बता दे कि कौन सा तरीका है, सरकार किस तरीके से हमारी बात मान रही, किसान की बात मान रही, तो वो तरीका सरकार बता दे ना, हम उसी तरीके से हम अपना कर लेंगे। लेकिन सरकार तो बात अब भी नहीं मान रही है। अब आप ही आप बस ये बताइए कि इसका फायदा क्या होगा? आज जो आपने ये रेल रोको आंदोलन किया, क्या उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा अजय मिश्रा को, जो आप मांग कर रहे हैं लगातार? ये तो सरकार की मानसिकता है कि सही काम करे या ना करे, सरकार की मानसिकता है, कर देना चाहिए था उसी दिन कर देना चाहिए था जितना फायदा नहीं है, लेकिन सरकार नहीं कर रही है, तो आम जनता तो कुछ ना कुछ तो करेगी ना। तो यानी कि ये तरीका अपनाएंगे आप, और लगातार आप किसान ये कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, आम जनता की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन परेशान भी तो आप लोगों से आम जनता ही है। नहीं, हम भी परेशान है, हम लोग परेशान नहीं है क्या? 11 महीने से बॉर्डर पर पड़े हैं, हम लोग भी परेशान है। कौन आदमी चाहता है कि अपने घर से बाहर रहे? कौन आदमी चाहता है कि मेरे देशवासी, मेरी हमारी पब्लिक के भाई परेशान हो? लेकिन कुछ ना कुछ देने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है ना, परेशानी। तो यानी कि आप परेशान है तो आप और लोगों को भी परेशान करेंगे? नहीं नहीं, और लोग परेशान नहीं कर रहे हैं, हम उससे क्षमा मांगते हैं कि हमारी वजह से किसी को परेशानी हो रही हो, लेकिन क्या करें, क्या क्यों नहीं हो रही? आपको नहीं लगता विनोद जी कि आपकी वजह से लोग नहीं परेशान हो रहे हैं?
नहीं परेशान हो रहे हैं, लग रहा है परेशान हो रहे हैं। कभी कभी कोई रेल रोको या सड़क रुकेगा तो आम जनता परेशान रहेगी। लेकिन ये पहली बार तो हुआ नहीं देश में, जब भाजपा विपक्ष में थी इन्होंने भी बहुत सारे आंदोलन किए, सड़क भी रोके हैं, रेल भी रोके, भारत बंद भी किया है। ये तो तरीका है कि आंदोलन करने का, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का, उसमें कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना। तो यानी कि इस तरीके के बिना आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी सरकार तक। नहीं, आप सुनवा दो जी, आप करवा दो भाई, आप माध्यम बन जाओ, हमारी जो बातें वो मनवा दो। नहीं, हम तो आपकी आवाज उठाते ही हैं, आपकी जो भी मांगे हैं वो हम उठाते ही हैं। अब हम तो बात रख ही सकते हैं ना, मानना ना मानना वो तो सरकार के ऊपर है। नहीं देखिए, सरकार सरकार जनता के लिए तो होती है, सरकार चंद पूंजीपतियों की सरकार बन के बैठती, ये कहां तक सही है कि 100 ग्राम कहीं आप जो है नशे के लिए कोई आदमी नशा करता पकड़ लिया उसको जेल में डाल दोगे, 3000 किलो जिसके यहाँ हेरोइन पकड़ी जाएगी कोर्ट में उसके लिए आप कुछ भी नहीं करेगी सरकार। ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना देश में। मंत्रियों के लिए कानून अलग है, व्यापारी पूंजीपति के लिए कानून अलग है। तो कार्रवाई तो हो रही है विनोद जी, कार्रवाई तो हो रही है, ऐसा थोड़ी है कि सरकार बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रख के बैठी है और कुछ नहीं कर रही इस मामले में। नहीं देखिए, जिस मंत्री का बेटा आरोपी है जी, क्या वो मंत्री पद पर बना रहेगा तो जांच सही हो जाएगी क्या? नहीं, अगर ठीक है आप ये कह रहे हैं कि अगर मंत्री का बेटा मंत्री पद पर बना रहेगा जांच नहीं होगी, आपको सरकार पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, सरकार पर क्या भरोसा करें, जिसके पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई है उसका बता दो कि क्या क्या कार्रवाई की है उसके खिलाफ आज तक, बताइए आज तक कोई कार्रवाई हुई तो। लेकिन इस मामले में आप कार्रवाई चाह रहे हैं, वो तो हो रही है। अजय मिश्रा के बेटे को आशीष को तो गिरफ्तार किया हुआ है ना पुलिस ने, पूछताछ तो लगातार की जा रही है। पारुल जी, आपको पता है कितनी जद्दोजहद के बाद में वो गिरफ्तारी हुई है, कई दिन बाद में हुई है, और मंत्री जी अपने पद पर बने रहेंगे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है सरकार। नहीं देखिए विनोद जी, ठीक है अगर आप इसे जद्दोजहद कह रहे हैं, देखिए हर काम करने का, हर चीज करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कहा कि ये चीज कर दीजिए तो वो तुरंत सरकार की तरफ से कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है ना। हर चीज को देखा जाता है, पढ़ा लिखा जाता है, उसके बाद ही तो इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं। नहीं, आज कितने दिन हो गए, बर्खास्तगी की बात है, बर्खास्त होना नहीं चाहिए क्या मंत्री? इसका बेटा आरोपी है, वो खुद भी आरोपी है 120B में, तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, बर्खास्त नहीं करना चाहिए सरकार को? यानी आप जब तक बर्खास्त नहीं होंगे अजय मिश्रा, आप इसी तरह से विरोध करते रहेंगे, और अब आगे क्या करेंगे ये भी बता दीजिए। देखो जो भी जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व का वो होगा, जो कौन होगी उसी हिसाब से काम करते। लेकिन विनोद जी एक बात बताइए कि आप बार बार कहते हैं कि किसान 11 महीने से बॉर्डर पर बैठा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही, लेकिन अगर ये वास्तव में ही किसान आंदोलन होता तो देश भर का समर्थन इसे क्यों नहीं मिलता? नहीं, देश भर का समर्थन मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, पूरे देश में आंदोलन है, पूरे देश के किसानों का समर्थन मिल रहा है, सब जगह आंदोलन है। नहीं, आम जनता तो समर्थन नहीं दे रही है। नहीं, आम जनता देखिए, अब ये किसानों का, इन्होंने तो कुछ कुछ बिरादरियों का ही इसको आंदोलन बता दिया था जी, तो जनता देखिए, देश की आजादी में भी कितने परसेंट लोगों ने हिस्सा लिया था, देश की आजादी में पूरे हिंदुस्तान ने तो 100% जनता ने तो हिस्सा लिया नहीं था। चलिए ठीक है विनोद जी, आऊंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। धन्यवाद अश्वनी जी, एक सीधा सवाल और एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी आपसे कि किसान लगातार कभी भारत बंद, कभी रेल रोको आंदोलन, कभी कुछ तो कभी कुछ, सरकार आखिर चुप क्यों बैठी है? देखिए, देश में जो किसान हैं, हम लोग पहले से कह रहे हैं कि किसान अपने खेतों में जी, ये तथाकथित किसान नेता जो बैठे हुए हैं, अब सारी कलई इनकी खुल चुकी है। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं पूरे देश में घूमकर, इन लोगों के मंच पर हत्याएं हो रही हैं, इनके मंच के बगल में हत्या हो रही है, और इनके नेता कह रहे हैं कि ये दुर्घटना है, बलात्कार हो रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जी अगर कहते हैं कि आपके यहां खालिस्तानी झंडे
वो लहराए गए, मोदी जी के खिलाफ नारे लगाए गए, तो ये लोग कहते हैं हमको आतंकवादी बताया जाता है। तो ये लोग बीच बीच में अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश, असफल प्रयास करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं किया इन लोगों ने रेल रोको आंदोलन? हिम्मत नहीं है। जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसका हम समर्थन करेंगे, अगर नैतिक तरीके से करेंगे। अनैतिकता से अगर होगा तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। और रास्ता लगाने के लिए देखिए कल अल्टीमेटम दिया गया, किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि रेल रोक दे उत्तर प्रदेश में। अश्वनी जी, उत्तर प्रदेश में कई जगह रेल रोकी गई है। अश्वनी जी, कई जगह रेल रोकी गई है उत्तर प्रदेश में आज। कहाँ कहाँ जा बता दीजिए। अगर आपको बताऊं, देखिए गाजियाबाद में रेल रोकी गई है, मोदीनगर में रेल रोकी गई है। बस उसके उसके अलावा बता दीजिए ना, उसके अलावा बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश। नहीं, आप पूरे उत्तर, आपने अभी सीधे कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की हिम्मत नहीं है, किसानों की हिम्मत नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ करके दिखा दे, तो उत्तर प्रदेश में तो रेल रोकी गई है जी। देखिए मैं अभी भी कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सिर्फ मोदी नगर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद नहीं है। तो क्या ये चीज, तो क्या ये गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर या मोदीनगर उत्तर प्रदेश में नहीं आते क्या? मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ गाजियाबाद और मोदीनगर में ही नहीं है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। जो जो महाराजगंज से लेकर सोनभद्र तक है, जो देवरिया से लेकर सहारनपुर तक है। अश्वनी जी, ग्रेटर नोएडा से तो, अश्वनी जी, ग्रेटर नोएडा से तो ऐसी तस्वीरें आई है कि किसान वहां पर ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए परिचौक पर। और बोलिए, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज कुछ नहीं हुआ। फिर वही, आप मेरी बात समझ ही नहीं पा रही। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, अभी आपने जो बात कही मैंने उसी का जवाब दिया। अगर आप समझती तो बार बार ये बात न दोहराती। देखिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप समझती इस बात को तो आप बार बार न दोहराती। किसानों का आंदोलन सिर्फ हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्यों है? कहाँ बड़ा आंदोलन है? बाकी जगह तो हत्याएं कर रहे हैं लोग। ये जो नेता बैठे हैं, नेता के नाम पर ये लोग जो है वहां पर आंदोलनकारी का नाम दे रहे हैं। कहां है आंदोलन? कहीं नहीं है। पूरे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र की हत्या जो इन लोगों ने की। विनोद जी, आप बताएंगे कि कहां कहां पर है आपका आंदोलन जी? आप बताएंगे? अश्वनी जी कह रहे हैं तमिलनाडु में कहां नहीं है, आप बताइए जरा कहां कहां पर है ये आंदोलन? नहीं, आंदोलन तो आपको सबको पता है कहाँ कहाँ पर है। पूरे देश में आंदोलन है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, हर जगह आंदोलन है। कहीं नहीं है, आंदोलन नहीं है, कहीं नहीं है। अरे आपके कहने से तो कुछ भी नहीं है, आपके कहने से तो देश नहीं बिका है, आपके कहने से थोड़ा कुछ होगा। अरे आप बताइए ना, कि मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में अगर किसान आंदोलन में है तो सिंगो, ये क्या नाम है, गाजीपुर बॉर्डर छोड़ के आप बता दीजिए कहाँ बैठे हैं आप लोग। नहीं, यूपी में बताइए कहाँ बैठे हैं, क्यों नहीं बैठे? नहीं अश्वनी जी, बैठे तो बॉर्डर पर ही हैं, लेकिन आज की बात की, आज जो हुआ उसकी बात की जा रही है। तीन बार भारत बंद किया इन लोगों ने जी, कोई सफल हुआ? बिल्कुल सफल हुआ, कहीं कहीं नहीं सफल हुआ भाई। तुम्हारे कहने से काम चलेगा? तुम्हारे उठाकर देख लीजिए, मीडिया उठाकर देखिए, हम नहीं बोल रहे, सारे अखबार बोल रहे हैं कहीं सफल नहीं है भारत बंद। सब अखबार बोल रहे हैं भारत बंद में, आपको पता है भारत बंद में आपके यहाँ सिर्फ जो है वो हुआ है, दो तीन लोगों की जो है हत्याएं हुई हैं, लाठी से बिहार में बस वालों को पीटा गया है, हरियाणा में कुछ पीटने की घटनाएं हुई हैं, यही तो हुआ है आपके यहाँ। और क्या हुआ है? किसान नेता के नाम पर गुंडागर्दी सरेआम आप लोग कर रहे हैं। ठीक है अश्वनी जी, आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। अश्वनी जी, अगर इतनी गुंडागर्दी हो रही है तो सरकार क्यों चुप बैठी है? सरकार क्यों कोई एक्शन नहीं लेती फिर? देखिए, आप अगर इसको ध्यान से सुनिएगा, ये जो किसान के नाम पर किसान नेता, 500 से ऊपर संगठन में 40 संगठन मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बना, बाकी किसानों को आंदोलन से मतलब नहीं है, किसान नेताओं को। ये 40 संगठन जो बने हैं यही पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं इनके हिसाब से, और वो किसान नेता जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चूर्म और गुंडई के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। 26 जनवरी से शुरू हुआ, पंजाब में कांवर तोड़ा गया, अभी एक दलित की हत्या हुई,
राकेश टिकैत ने कहा यह दुर्घटना है, इनके जो इनका मुख्य मंच है उसके बगल में हुआ हत्या। और अभी ये किस मुंह से ये कह रहे हैं विनोद जी कि लखीमपुर में आपके ये घटना हुई, आपके बगल में घटना हुई, आपने उस पर खेद जताया, आपने उसकी मांग की किसी की गिरफ्तारी की, आपने उसके घर पर जाने का दुस्साहस किया, केरोसिन डाल के उसको जलाया गया रात में, आप उसका विरोध किया नहीं किया, ये है आपका दोहरा चरित्र। चलिए ठीक है अश्वनी जी, आप देश में कप्तान हैं, ये भी कहा कि इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये नियम है। अरे ऐसा कैसे कर देंगे? और कई बार सरकार को बताया गया है कि हमारे ना संयुक्त मोर्चा का हिस्सा है ना हमारे आंदोलन का हिस्सा है, और उन्होंने जिम्मेदारी ली है, वो गिरफ्तार हुए अपने आप को सेंटर किया है, और जिम्मेदारी ली है उन्होंने। विनोद जी आपसे विनम्रता से मैं पूछना चाहता हूँ, लखीमपुर में एक जीप से दुर्घटना होती है, लोग मरते हैं, दुर्घटना आपको फुर्सत है जाने की, और आपके मंच के बगल में मारा जाता है, निर्ममता से उसकी हत्या की जाती है, ऐसा तालिबान में किया जाता है कि हाथ काट दिया गया उसका और कैसे मारा गया उसको, और आप कहते हैं कि हम उससे जिम्मेदारी नहीं लेते, ये दोहरा चरित्र है कि नहीं आपका? क्यों लेंगे जिम्मेदारी? विनोद जी आपके इस आंदोलन के आड़ में कोई कुछ भी करे और आप पीछे हाथ कर लेते अपने, आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं होते जी, आप जिम्मेदारी लेने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते। कुछ भी हो जाए, चाहे इस आंदोलन में रेप हो जाए, किसी को मार दिया जाए, किसी के हाथ काट दिए जाए, आप कह देते हैं ये हमारे लोग नहीं है और आरोप सरकार पर लगा देते हैं। नहीं, सरकार पे तो बहुत सारे आरोप है हमारे, 26 जनवरी की घटना करते हैं, सब सरकार ही करा रही है, कुंडे लेकर के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचाता है, बताओ इन्होंने किस नेता ने जिम्मेदारी ली है कि हमने भेजा था विधायक कुंडे लेकर के वहां 28 तारीख में 28 जनवरी में गाजीपुर बॉर्डर पे, इन्होंने कौन सी जिम्मेदारी ली है, इन्होंने कौन सा अपना मंत्री बर्खास्त किया है, पीछे से गाड़ी किसानों पर चढ़ाई गई, हत्या किसानों पर चढ़ाई गई है। चलिए ठीक है, आंदोलन में जो जो घटनाएं हुई है सब सरकार ने कही है, स्पष्ट ये रहा है सरकार है, सरकार उसकी जांच कर ले, सरकार दोषी को सजा दे, यही बात हम लखीमपुर में कह रहे थे तो आप लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे कि जांच चल रही है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, क्यों नहीं माना आप लोगों ने? मंत्री को बर्खास्त कीजिए, माना क्यों नहीं है? क्यों नहीं करे? आप तो अभी कहा, अभी आपने अपने मुंह से कहा ये बात, जांच कर लीजिए, उसके बाद जो दोषी हो सजा दीजिए, अभी आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। जांच हो गई, अरे कौन सी जांच हो गई है? अरे कौन सी जांच हो गई है? किसानों का कुचलने की साजिश रची गई थी, ये पेपर में छपा है, जांच तो हो रही है, जांच होगी उसको बर्खास्त। अच्छा, पेपर में छपा है उसको आप मानते हैं, ये पूरे देश की मीडिया ने दिखाया कि तलवार से काटा गया उसको, उसको आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, और वहां की जिम्मेदारी ले रहे हैं, देश के ठेकेदार बने आप लोग, कौन नहीं मानते, पूरे देश के ठेकेदार बने आप लोग, किसान नेता के नाम है, किसान नेता है, ठेकेदारी तो आपने ले रखी है, ठेकेदारी आपने, आपने कभी बात की लाठियों से मारने वालों की, जिन किसान आतंकियों ने, आपके जिन आतंकियों ने मारा उन लोगों को, निहत्थे कार्यकर्ताओं को मारे, जो ये कह रहा है उनकी जिम्मेदारी आपने ली, उनके घर गए, मुझे विधायक आप उनके घर गए, आदमी को आप बताएंगे, उस आदमी को आप बर्खास्त नहीं करेंगे तो अपने मुंह से मेरा इस समय जो खुलेआम मीडिया को धमकी देते हैं, बड़ा गुंडा, अरे सुन लीजिए, अरे भाई, चलिए विनोद जी और अश्वनी जी रुक जाइए, हमारे बीच कांग्रेस नेता स्वामीनाथ जायसवाल भी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। विनोद जी रुक जाइए, आपके पास आऊंगी मैं। विनोद जी विनोद जी परसों चलाया गया है, विनोद जी परसों जिसको आप लोगों ने काटा था बकरे की तरह, उसका लाश केरोसिन डाल के जलाया गया रात में, उसको वो भी देखिए ना भाई, उसके दोषी देखिए, आप लोगों को उसके दोषी देखिए कहां पर है यार, जिन्होंने कृत किया है, दोषी तो दिख रहा है, आप अपने नेताओं से पूछिए कि आपके दोषी मंत्री पद लेके घूम रहे हैं। चलिए ठीक है विनोद जी और अश्वनी जी आऊंगी आपके पास, आप रुक जाइए, स्वामीनाथ जायसवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वामीनाथ जायसवाल बोलिए। नमस्कार। जिस तरह से ये हमारे मित्र अश्वनी जी जिस तरह से दहाड़ फाड़ के किसान को आतंकवादी बता रहे हैं, देश के एक 80% आबादी जिसका बेटा
सरहद पे रक्षा करने के लिए अपना आहुति देता है और 700 किसान बॉर्डर पर मर गए और एक घड़ियाली आज भारतीय जनता पार्टी के लोग न बहाए न बोले और उनको चिंता हो रही है बॉर्डर पे। और जिस तरह से मंत्री के बेटे ने गाड़ी से रौंद कर किसान को मारने का काम किया और जो आंदोलन के बाद उसको अरेस्ट किया जाता है, सब उनके पिताजी को अभी तक पद से हटाया नहीं जाता है, सैया भल कोतवाल अंडर के करवा, जब बाप ही उसका बाप बोल रहा है कि नहीं हम वहां पर थे नहीं और बेटा भी बोल रहा नहीं थे, उसके बाद वो लोग चाल चरित्र के किसानों पर उंगली उठाते हैं। जिस किसान को रौंदने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की और सरकार में बैठकर मंत्री पद पर बैठकर उससे न्याय की क्या अपेक्षा की जा सकती है? न्यायपालिका का वह अधिकार होता है कि उसको इस्तीफा देना चाहिए कि उसके बेटे को जब वो अपना जुल्म कबूल किया तो उसको हट जाना चाहिए, पद पे बना नहीं रहना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दो तरफा जो चाल चरित्र है देश देख रहा है। जैसे महाराष्ट्र में 26/11 का कांड हुआ था, एक फिल्म पर का प्रोड्यूसर वहां पहुंच गया तो वहां के सीएम को, तत्कालीन सीएम विलासराव देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस तुरंत इस्तीफा लेती थी, किसी को थोड़ा सा अपेक्षा रहता था। तो यहाँ पर एक बाप का बेटा फंसा हुआ है जो पूरा देश देखा, सब वीडियो देखा कि लखीमखीरी में किस तरह से रौंदा गया निहत्ते किसानों को, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, योगी सरकार, उस मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। तो इससे वो प्रमाण किसानों को देने के लिए हमारे मिश्रा जी, अश्वनी मिश्रा जी, जिस तरह से ललकार रहे हैं, किसान जो आज 12 महीने से 11-12 बजे का दौर में मीटिंग हुआ उसके बाद भी कोई किसानों के हित तीन काले कानून हटाए नहीं गए और बड़े पूंजीपतियों का टावर तोड़ने के लिए इनका तकलीफ हो रहा है कि किसान ने टावर चढ़ के पंजाब में तोड़ा, लेकिन किसान को किस तरह से रौंदने का, 700 किसान की मौत हो गई, एक झूठी घड़ियाली आंसू भी नहीं बहाया गया, और जिस तरह से महंगाई का चरम सीमा से पूरे गरीब और को मारा जा रहा है, जिस तरह से किसानों की आवाज दबाई जा रही है, ये देश में हो क्या रहा है? और वो चार चरित्र प्रमाण पत्र देने के लिए घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से विनोद जी ने किसानों की बात की और किसान बोल रहे हैं, किसान पर कहां है? आज पूरे किसान जिस तरह आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन देश की रक्षा के लिए और देश की व्यवस्था जिस तरह किसानों को दम तोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है, किसान इतने कमजोर नहीं है। आज 12 महीने से किसान, 700 से ऊपर किसान की मौतें हो गई, लेकिन ये लोग ठीक है स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, किसान कमजोर नहीं है लेकिन किसान कुछ भी करेंगे क्या? किसान कुछ कर कहां रहे हैं? किसान तो अपना मांग, अगर कुछ करना होता तो 12 महीने से थोड़ी ना इंतजार करते। किसान तो 12 महीने से बैठकर अब न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसानों को ठीक है, सिंगू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ किसानों ने नहीं किया, सिंगू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ वहां पर क्या? वो जो किया तत्कालीन उसका वो निहंगों ने अपने को स्वीकार किया कि हमने किया, हमारे ग्रंथ साहब का तिरस्कार किया था, इसलिए हमने जो किया। तो किसी को मार दिया जाएगा क्या? किसी को भी मार दिया जाएगा क्या? किसी को मारने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है, लेकिन जब अपराधी खुद अपराध स्वयं स्वीकार कर रहा है यहाँ, तो कोई और सजा नहीं दी जा सकती थी क्या उसको? अपराधी तो अपना अपराध स्वीकार भी नहीं कर रहा था। नहीं तो स्वामीनाथ जी, उसको कोई और सजा नहीं दी जा सकती थी क्या? सिर्फ जान से मारना ही एक आखिरी विकल्प बचा था। जो ऐसा कुकर्म करने वाले का मैं घोर निंदा कर रहा हूँ, जिस तरह से किसी के साथ ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन जो घटना करने वाला व्यक्ति है स्वतः वो कहा कि हमने किया है और हमारे ग्रंथ को, लेकिन इस तरह का हत्या तालिबान और जगह पर देखा जाता था, लेकिन भारत में ऐसी घटना नहीं घटती थी जो घटा, और जो प्रमाण दे रहे हैं जहां पर अपराध होता। बिल्कुल था, बिल्कुल स्वामीनाथ जी आप सही कह रहे हैं कि भारत में कभी ऐसा नहीं होता जो अब हो रहा है, किसान भी कभी ऐसा करते नजर नहीं आते थे जो अब कर रहे हैं। एक गरीब बेटी का उत्तर प्रदेश में जिस तरह से
कुकर उकर कर किरोसिन तेल आनंद थानों में छिड़क के जला दिया जाता है। और हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ठीक है स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी जो किसान आंदोलन में एक लड़की के साथ रेप किया गया वो नहीं आपको दिखा क्या? क्यों नहीं दिखा? उसकी तो उसके बारे में तो कुछ नहीं आपने बोला है। पुलिस है हाँ, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए पुलिस है और आप सिर्फ राजनीति करने के लिए। ठीक है अश्वनी जी बोलिए। राजनीति करने के लिए नहीं, राजनीति हमारा नहीं अतगंडा है। देश के गरीब और पिछड़ों और दलित के साथ जिस तरह उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जिस तरह से लखीमपुर खीरी में गाय से रौंदा गया किसानों को। स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी कांग्रेस को सिर्फ लखीमपुर खीरी क्यों दिख रहा है? स्वामीनाथ जी कांग्रेस को लखीमपुर खीरी के अलावा कुछ क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? पूरा देश दिख रहा है और देश के बाद 700 से ऊपर किसान की आहुति चढ़ने के बाद भी और तीन काले कानून क्यों नहीं दिख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को? चलिए ठीक है स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी आऊंगी मैं आपके पास। अश्वनी जी बोलिए आप। देखिए मैं अपने किसान नेता विनोद जी और हमारे कांग्रेस के साथी बर्नवाल जी जो बैठे हैं यहाँ, इनसे मैं सवाल पूछता हूँ। अच्छा अच्छा जायसवाल जी, तो चार सवाल हमारे हैं इन लोगों से, बहुत पॉइंटेड और उसका जवाब पॉइंटेड ही चाहिए, मुझे घुमा फिरा कर नहीं चाहिए। हमसे जो सवाल करना हो आप कर लीजिएगा। पहला सवाल कि क्या किसान आंदोलन अपनी जगह पे है जो 26 जनवरी को पुलिस वालों पर वहां जिस तरीके से बर्बरता की गई, क्या किसानों ने अपनी दूरी क्यों बनाई उससे? क्योंकि जब किसान वहां थे, दूसरी बात 1500 टावर तोड़ने की बात अभी हमारे कांग्रेस के साथी कर रहे थे कि वो उस कंपनी का था जो इस देश में लगता है उस देश की संपत्ति होती है, वो किन किसानों ने तोड़ा? और ऐसी घटना सिर्फ पंजाब में क्यों हुई, इसकी जिम्मेदारी क्या किसानों ने ली? तीसरा सवाल, अभी जो एक दलित भाई हमारा वहां बर्बरता से काटा गया, उसको केरोसिन तेल डालकर जलाया गया वहां, उस पर राकेश टिकैत जी का इतना गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों आया कि यह दुर्घटना है? और लखीमपुर की घटना को कि यह सोची समझी साजिश है, कैसे इन्होंने, कौन से जज है, कौन सी इनके पास चीज है जो इन्होंने इसको कर दिया? और चौथा सवाल कि हमारे हिंदुस्तान में सदन बना है, किसानों ने चुनकर सदन में अपने माननीय भेजे हैं, चलिए भारतीय जनता पार्टी है उनका विरोधी है लेकिन राहुल गांधी और बाकी अखिलेश जी और सब लोग उनके वहां साथी नुमाइंदे हैं, सदन के सत्र में क्यों नहीं इस बिल पर उन लोगों ने सवाल उठाया एक दिन भी, और ओबीसी बिल पर आकर वहां पर समर्थन किया बिल का? अगर किसान हितैषी थे तो क्यों नहीं सवाल उठाया? ये चार सवाल पॉइंटेड है हमारे, जवाब आप लोग। चलिए ठीक है विनोद जी पहले आप बोलिए। जी देखिए, जो भी इन्होंने कहा कि हमारे दलित भाई वहां हत्या हुई है वो गलत हुआ है, और शायद इन्होंने बयान नहीं सुना है राकेश टिकैत जी का। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि गलत हुआ है, और कई बार युधवीर सिंह ने भी डिबेट में कहा आज तक की में कि हमने कई बार सरकार को यह बताया था कि ये हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है और उन लोगों ने जिम्मेदारी ली है। जिस आदमी ने कृत किया तो जिम्मेदारी ले ली, फिर से बहस का क्या औचित्य है? अरे बहस उस पर करियो लखीमपुर खीरी पे, जिन्होंने जिम्मेदारी ली आपने पद से नहीं हटाया। दूसरी बात आपने कहा कि ये जो आंदोलन हमारा चल रहा है 11 महीने से, जी विनोद जी बोलिए। टावर, हाँ सॉरी आपने कहा टावर तोड़ दिए गए, भाई जनता का विरोध चल रहा है क्या? पहली बार टावर की आप जांच करवा लीजिए, आपकी इन दोस्त कंपनियों के 90% टावर सरकारी जमीनों में लगे हुए हैं। मैं आपको कहूं तो मैं आपके पारुल जी, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर भेज देता हूं, कल मेरे पास रखी है पूरी लिस्ट मेरठ की, और उसमें एक टावर अगर प्राइवेट किसी आदमी के यहां लगता है तो 45,000 रुपये महीना देता है टावर कंपनी, सरकारी
90 टावरों का 2,66,000 रुपए पूरे सात जीवन के लिए करार हुआ है नगर निगम से जी। तो ये जांच कराइए, आपके मित्र जो है जिनके टावर आपने लगवाए हैं इनकी जांच आप करा लीजिए। आप तो तोड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? नहीं, आपको रात को जलाने का अधिकार किसको किसने दिया? दलित बेटी को आपकी सरकार ने? उस पर भी नहीं। अब तो विनोद जी ये वो वाली बात हो गई कि अगर आपका इस बात का जवाब नहीं है तो आप कुछ और बात ला देंगे। पारुल जी, जी पारुल जी, क्या सरकार के पास सारे अधिकार है कि रात को 11:30 बजे आप सीबीआई के डायरेक्टर को हटा दोगे? आपके रफेल की गृह रक्षा मंत्रालय से फाइल में से डॉक्यूमेंट चोरी हो गए? पारुल जी ध्यान दीजिएगा इस पर, ये किसान आंदोलन है। आपके यही अधिकार है सरकार के? विनोद जी ऐसे तो बातें बहुत निकल जाएंगी, लेकिन अगर मुद्दे पे बात करेंगे वही सही रहेगा। तो राजनीति नहीं भाई, इनकी कमी बताएंगे तो बहुत बात निकल जाएगी। भाई इनका जवाब इनके पास है क्या? आप हमारे प्रश्न का जवाब दे दो। आप पर्सनल जवाब बाद में लीजिएगा, अभी किसान आंदोलन की यहाँ पर बात हो रही है तो उसी पे बात करेंगे हम। ये जवाब आप बाद में ले लीजिएगा। ये किसान को तालिबानी बताएंगे, खालिस्तानी बताएंगे, कभी पाकिस्तान से फंडिंग बताएंगे, कभी कहीं से बताएंगे। सरकार आपकी जांच करा लीजिए, आपने 11 महीने में क्या किया है? आप उस फंडिंग का क्यों पता नहीं लगा पाए? तालिबान से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है, क्या कर रही है आपकी सरकार? अरे भाई आप हमारे चार सवाल का जवाब नहीं दे पाए और गए, यही मैं कहना चाहता था। और इससे ये परिलक्षित होता है पारुल जी कि ये लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए किसान नेता के नाम पर अवैध लोग बैठे हुए हैं वहां। अवैध और वैध का तो पता लग जाएगा 22 के चुनाव में, आपको जनता बता देगी कौन वैध है और कौन अवैध है। कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग, आप लोगों के पास का नहीं है। विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, आप सरकार को नुकसान पहुंचाने की बात लगातार करते हैं, लेकिन अगर मैं आम जनता की बात कर लूं तो आम जनता पूरी तरह से समर्थन में है बीजेपी के। जब्त होती आई है, राकेश सिंह जी लड़ते ना दोबार, जमानत जब थी, अब लड़ेंगे होने से 65 साल तक लड़े हैं। आप अपना भी इतिहास बताइए कि आपकी 65 साल तक जमानत। हमारा इतिहास तो दो से आजकल 400 पहुंचा है। हमारा इतिहास मत देखिए, कांग्रेस का भी यही था, कांग्रेस का इतिहास कभी यही रहा है। एकदम पारुल जी, आपका इतिहास भी पारुल जी, किसान आंदोलन का अंतिम लक्ष्य राजनीति है ये विनोद जी ने आज कह दिया है। आपके चैनल पर कह दिया कि ये चुनाव लड़ना इनका लक्ष्य है। ये तो ये पता है आंदोलन नहीं है अश्वनी जी, ये तो हर कोई जानता है कि राजनीति किस तरह से की जा रही है इसमें। लेकिन गलत आदमी को सत्ता से हटाना हमारा लक्ष्य है, गलत आदमी को गलत पार्टी को सत्ता से हटाना हमारा लक्ष्य है। विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, सीबीआई डायरेक्टर राफेल, अश्वनी जी रुक जाइए, विनोद जी, आप विनोद जी आप गलत सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं, आप गलत सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आम जनता की बात करूं तो बीजेपी के पूरे समर्थन में है आम जनता इस समय जी। समर्थन तो चुनाव बताएगा पारुल जी, समर्थन चुनाव बताएगा कि चुनाव में किसका समर्थन है और किसका नहीं है। ये लोग बंगाल गए थे भारतीय जनता पार्टी को हराने, हम 3 सीट से वहां 77 हो गए, यही है इन लोगों की राजनीति महत्वाकांक्षा। और उत्तर प्रदेश में फिर 300 पार होने जा रहे हैं, कहां है ये लोग? चलिए आपको बधाई है, आपको बधाई है, लेकिन इसी चैनल पर आप जो है 6 महीने का इंतजार करिए। 300 के पार भारतीय जनता पार्टी, चलिए ठीक है, वोट है ठीक है, डीएम है आपके, एसडीएम है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपने जिला पंचायत के चुनाव हो गया, यानी कि विनोद जी, विनोद जी अगर बीजेपी 2022 में जीतेगी तो उसकी जिम्मेदार भी आप ये कह देंगे कि बीजेपी ने कुछ गड़बड़ी कर ली। फार्मूला हमें बता दो, ये फार्मूला विपक्ष को ही बता दो। आपको पता होता तो आप ये पापड़ थोड़े बेलते, आपके राकेश सिंह जी जो चुनाव जीत गए होते जैन चौधरी वाले पार्टी से लड़े थे। अरे चुनाव पार्टी से लड़े नहीं है ना, हमें चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है विनोद जी और अश्वनी जी, अब विनोद अश्वनी जी जो बातें आपने कही थी स्वामीनाथ जी से भी इन सभी का बातों का जवाब ले लेते हैं। स्वामीनाथ जी बोलिए। जी जैसे हमारे मित्र अश्वनी जी बार बार जिस तरह से वो अपने पक्ष को विनोद जी रखे
तो जहां इनका इनका नुक्स पकड़ लो तो बोल देते हैं कि देखिए राजनीति है। जब सीबीआई डायरेक्टर की बात हुई, रक्षा मंत्रालय की बात हुई, नहीं तो नहीं आप करिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब आप करिए जसवाल जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। राफेल की बात करिए, सीबीआई डायरेक्टर की बात कीजिए, आप करिए। लेकिन जब किसान नेता किसान आंदोलन कर रहा है, उसको सीबीआई डायरेक्टर राफेल से क्या मतलब है? अच्छा, देश में मतलब नहीं है किसान को, देश किसान को देश से मतलब नहीं है। आप देश को लूट रहे हैं, तो बिल से मतलब नहीं है आपको। इसका मतलब किसान बिल आपका ढकोसला है, अश्वनी जी, अश्वनी जी और विनोद जी सुन लीजिए, विनोद जी सुन लीजिए, विनोद जी समय दूंगी आपके पास, सुन लीजिए स्वामीनाथ जी को, बोलिए स्वामीनाथ जी। क्या है, जैसे हमारे मित्र अश्वनी जी चार सवाल किए और विनोद जी भी उसका प्रमाण दिए कि जो अवैध तरीके से इनके भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो अंबानी एंड कंपनी का टावर हटा दिया गया, तोड़ा गया, कोई भी असंवैधानिक काम किसी को करना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको सरकार अपना दंड देगी, प्रशासन उसको काम करेगी। लेकिन जिस तरह से देश को धड़ल्ले से बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है, देश को बेचने पे ही लगा हुआ है। ओलेक्स पर ले लो, बैंक ले लो, जितने रेलवे ले लो, एयरपोर्ट ले लो, यानी पूरे देश की संपत्ति जो बनाए नहीं है, जो इनके पूर्वजों ने नहीं बनाए हैं, वो बेचने का अधिकार कौन दिया? आज जिस तरह से रोज प्रतिदिन डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, किसानों पर, आम आदमी पर, गरीबों पर अत्यंत अतिरिक्त भार पड़ रहा है, रोज कमाने खाने वाले, रोजमर्रा का जिंदगी जीने वाला आम गरीब के पेट से जिस तरह से राशन छीनने का काम, उज्ज्वला योजना लाया गया कि भाई फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, सिलेंडर का कीमत 1000 रुपया कर दोगे तो उज्जवल भविष्य कहाँ जाएगा, वो तो अंदर भविष्य चला जाएगा। तो जीवन के हर रोटी रोजी पर से नमक तेल भी आप छीन ले रहे हो, टमाटर हो गया 100, प्याज हो गया 80, और इस तरह से बढ़ते हुए हर दवाई से लेकर एक एक सामान जो घर का है राशन, उसका कीमत 10 गुना बढ़ गया। और उसके बाद उस पर कोई चर्चा करने पर बैठेगा तो अपना खाली प्लेटफॉर्म लगाकर कि हम जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं, प्रगति भी दिख रहा है आपका, उन्नति भी दिख रहा है, अपराध भी दिख रहा है। जिस तरह से अपराध हुआ और उसके बाद जिसका पिता स्वयं मंत्री है, तो वहां आप कैसे कर सकते हैं अपेक्षा कि वहां पर हमको न्याय मिलेगा? न्याय पालिका को कुचलने के लिए अगर बहुत ही भारतीय जनता पार्टी सरकार और उनके नुमाइंदे बहुत ही ईमानदार होते तो 1 मिनट में इस्तीफा अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री को दे देना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र प्रभार से काम करना हो और प्रजा और अपने प्रजातंत्र के बेड़ी में बांधकर किस तरह से आप लोग राजनीति को रोटी सेक रहे हैं, और यही काम कांग्रेस के समय में होता था, यही विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी जब भी उंगली उठाई, आप महाराष्ट्र में घटना देखे होंगे, बिलासराव तत्कालीन मुख्यमंत्री बिलासराव देशमुख जी थे, तो उनके पुत्र ने एक फिल्म प्रोड्यूसर को 26/11 वाले कांड में साथ में चला गया था राम गोपाल वर्मा, तो तत्कालीन उनको पद से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। यहाँ तो किसान को कुचलने वाली बात है। पहले तो मिश्रा जी बोले कि हम उस जगह पर ना मैं मौजूद था ना मेरा बेटा मौजूद था, उसके बाद इतना धरना प्रदर्शन करने के बाद तब जाके उस पे जांच शुरू हुआ, जांच भी तो मुंह ढाक ढाक के लोग जांच शुरू किए, उसके बाद उस जांच पे कितना पारदर्शी रहेगा ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानना चाहते देख रही है। और जिस तरह से समय तो लेकिन लगेगा ना स्वामीनाथ जी, समय तो लगेगा ना उस जांच में भी, ऐसा तो नहीं है 2 दिन में हो जाएगी जांच। समय लग रहा, जांच में तो समय लगेगा, लेकिन निष्पक्ष जांच के लिए इस मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर आपके अंदर भावना है देश की, देश के प्रति और देश के ईमानदारी छवि का भावना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 1 मिनट में इस्तीफा अजय मिश्रा का ले लेना चाहिए, जिसका लड़का कुचल के किसानों को, निहत्ते किसानों पर गाड़ी चढ़ा के मारने का काम किया, वो जैसे ये बॉर्डर वाली बात हो रही है। अच्छा ठीक है स्वामीनाथ जी, लेकिन उन किसानों का क्या जिन्होंने लोगों को वहां पर पीटा, उन किसानों का क्या, उन पर तो कोई कार्रवाई की बात नहीं कर रहा।
किसको, आपका एक पत्रकार भाई भी मर गया वहां और उसको भी मारा गया, उसको भी कुचला गया, और वहां तो ऐसे शासन उत्तर प्रदेश का काम किया, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हमारे कांग्रेस के नेता को एयरपोर्ट से बाहर नहीं, अपने ऑफिस कांग्रेस मुख्यालय नहीं जाने दिया गया, वही उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जाने नहीं, निकलने नहीं दिया गया। इस तरह का अपने अड़ियलपन और अहंकार की सत्ता को जिस तरह योगी मोदी जी साबित कर रहे हैं कि हम गुंडई के बल पर जबरदस्ती और सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, तो आने वाले समय में 22-24 में देश का जनता आपसे जरूर सवाल खड़ा करेगा। चलिए ठीक है, महंगाई और गरीबी को, ठीक है स्वामीनाथ जी, जिस तरह से लोगों के रक्षा के जगह पर जिस तरह गरीब बेटी के लूट कर उसको रातों रात क्रोसिन से मार दिया जाता है, जिस तरह से किसानों को गाड़ी चढ़ाया जाता है, एक कोई से छुपा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कुकर और कुशासन। जिस तरह से कश्मीर में जी, जिस तरह से स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी सुन लिए आपकी सभी बातें स्वामीनाथ जी, जिस तरह से ये शासन में हो रहा है, अरे आप दोहरा रहे हैं स्वामीनाथ जी, आप दोहरा रहे हैं अपनी बातों को। स्वामीनाथ जी सुन ली, अश्विनी जी बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा स्वामीनाथ जी, बढ़िया भाषण दिया आपने, आप नैतिकता का पाठ भारतीय जनता देते हैं, नहीं नहीं नैतिकता का पाठ आप पढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी को आप नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। 5000 सिखों की कतलेआम हुआ था 84 में, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने क्या नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दिया? सुनिए सुनिए, अरे रुकिए 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 रुकिए, रुक जाइए, मैंने बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला, यही तो आप लोग का मानसिकता है जब, अरे फिर वही आपका स्वामीनाथ जी सुन लीजिए, आप जब अपनी बात कह रहे थे आपको भी सुना गया था, सुन लीजिए पहले फिर जवाब दीजिएगा। देखिए जब कोई फार्म आप भरते हैं ना, तो उसमें आपके पिताजी का नाम पूछा जाता है, आपके दादाजी का नाम पूछा जाता है, भूलना नहीं चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। फिर वही बात, रुक जाइए, आप जवाब दीजिएगा। नहीं नहीं, आप हमारे भी पिताजी का नाम पूछा जाता है, हमारे भी दादाजी का नाम पूछा जाता है, ठीक है ना। नैतिकता वहां दिखाई जाती है जो नैतिक हो, मैं उसके लिए आपको कहना चाह रहा हूं 5000 लोग मरे थे तो क्या राजीव जी ने इस्तीफा दिया, पहली बात। दूसरी बात, अभी बार बार आप केरोसिन और केरोसिन की बात कर रहे हैं, आपके पंजाब में तरन तारण में जिस दलित की हत्या करके केरोसिन उसको भी डालकर जलाया गया, वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं पारुल जी को भेज दूंगा। चन्नी जी लखीमपुर में आकर 50 लाख रुपया दे जाते हैं, वहां पर जाकर 5 रुपया क्यों नहीं देते हैं, ये कहां गई नैतिकता आपकी। तीसरी बात मैं आना चाहता हूं विनोद जी के लिए, आपने कहा अजय मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो 120 बी के मुलजिम है, अगर नैतिकता होती तो राकेश टिकैत जी 307 395 396 120 बी के मुलजिम है, आंदोलन से नाम वापस लेकर जमानत कराते जाकर अपनी, गए कभी वो? नैतिकता का पाठ आपको नहीं पढ़ाना चाहिए। देश में आप जो कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देश है, यहां पर मोदी जी को जितना गाली दिया जाता है मोदी जी उतना ही पल्लवित और पुष्पित होते हैं, वो बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों की गलत मांगों को, जिसमें 500 किसान संगठन है जो आपसे अलग हैं, उनको दिक्कत नहीं हो रही है, सिर्फ 40 को दिक्कत हो रही है, उन मांगों को नहीं माना जाएगा। बातों को आप लोगों को किसने अधिकार दिया? आपका नेता कहता बक्कर उखाड़ लेंगे, उसके बाद जो है तो अश्वनी जी, अश्वनी जी धरना स्थल पर, अश्वनी जी क्या इस किसान आंदोलन का अंत आ चुका है? किसान आंदोलन का देखिए बहुत, मैं एक ऐसी चीज बोलने जा रहा हूं जिसमें इनको बुरा भी लग सकता है और शायद ना भी लगे। किसान नेता जो तथा कथित आज आंदोलन पर बैठे हैं वो यही चाह रहे हैं, उनकी अंतिम इच्छा यही है कि सरकार हमारे साथ ज्यादती करे, हमको लाठी मारे, हमारे ऊपर गोली चले और हम सरकार को बदनाम करने का काम करें। सरकार वो नहीं करने जा रही है, लेकिन इनके अपने ही नेता जो अंदर से भिड़ चुके हैं, किसान नेता भानु सिंह किनारे हो गए, बीएन सिंह किनारे हो गए, ये 26 जनवरी को जो गणतंत्र की हत्या हुई उसके बाद, और आने वाले दिनों में ये कह रहे थे ना अभी विनोद जी, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, शरहुनी जी ने पंजाब से चुनाव लड़ने का घोषणा किया, मना कर लें ये
ये अपने आप बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि इनकी मांगों में दम नहीं है, इनकी मांग देश हित में नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का किसान एमएसपी पर सबसे ज्यादा गेहूं बेच रहा है, सबसे ज्यादा धान, इस रिकॉर्ड धान की खरीदारी उत्तर प्रदेश में होती है। विनोद जी जवाब देंगे, अश्वनी जी कह रहे हैं अपने आप टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे। हाँ, अभी आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी, वरुण गांधी जी ने बयान दिया, उनकी माता जी को, वरुण गांधी जी को कोर कमेटी से हटा दिया। अभी जो है, अभी इनके उप मुख्यमंत्री एक बयान दे रहे थे कि जब तक मोदी जी रहेंगे ना देश का भला होगा ना जनता का भला होगा, नितिन गडकरी जी का बयान है। ये तो इनके अपने ही बयान है, आप देखना आपकी पार्टी टूटने वाली है, आप अपना फिक्र करिए, किसान किसान आंदोलन का आप चिंता मत करिए, ना किसान नेता को करिए, किसान नेता तो जो किसान का काम करेगा वो किसान का नेता होगा, किसी पर ठप्पा नहीं लगा हुआ है। और भानु प्रताप जी का आप बात कर रहे हैं, भानु प्रताप जी रात को भाग गए, सरदार वीएम सिंह रात को भाग गए, उनसे पूछिए जाके कि वो किस गांव में जा रहे हैं और क्या वो क्या वो कर रहे हैं, वो भाजपा के तथाकथित सदस्य हैं। मुजफ्फरनगर में उन्होंने रैली की, क्यों नहीं दिखाई जनता उनकी, दिखाते भाई दिखाते, वो किसान नेता है, आपकी पूरी सपोर्ट रही है, पूरा फंडिंग आपने किया है। तो ये भाजपा करती है, किसान आंदोलन किसान के तरीके से, किसान नेताओं से चल रहा है। विनोद जी, आप बीजेपी पर आरोप लगाते रहिए और बीजेपी किसानों पर लगाती रहेगी। नहीं नहीं, आरोप पारुल जी, आरोप क्या, झूठे आरोप नहीं लग रहे हैं। इन्होंने देश को क्या दिया, नोटबंदी करके क्या दिया इन्होंने, काला धन आ गया। आज तक लिस्ट, जनता को लिस्ट तो बता दो कि किस किस के नाम, चीज बैंक में जो धन है उसके नाम है उसमें। अरे आप कुछ तो करके दिखाइए, जिन मुद्दों पर जो आपका घोषणा पत्र था उसमें एक चीज बता दीजिए कि हमने एक चीज की है, बताइए आप अपने घोषणा पत्र में एक चीज की आपने। आप सरकार में है, सत्ता में है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, आप बताइए। बिजली का रेट ले लीजिए, बिजली का रेट ले लीजिए, अभी तो पता नहीं है, जो जो डीएल 250 रुपए बनता था जी, बोलिए अश्वनी जी, बनता है जो असले का लाइसेंस रिन्यू होता था 1000 में वो 6000 में रिन्यू होता है। ठीक है विनोद जी, विनोद जी, पेट्रोल के रेट, गैस की सब्सिडी खा रहे हो विनोद जी, रुक, ठीक है, आप तो जनता को खा रहे हो। बोलिए अश्वनी जी। पारुल जी, अभी जब से डिबेट शुरू हुई है, हमारे जसवाल जी ने तो भाई कहा, क्यों, क्योंकि राजनीतिक दल के हैं तो राजनीतिक भाषा बोलेंगे, अच्छा है। हमारे किसान नेता विनोद जी सबसे राजनीतिक भाषा ही बोल रहे हैं, और मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई लोकतंत्र है, राजनीतिक दल बनाइए, आइए चुनाव लड़िए भारतीय जनता पार्टी से, आप भी, आप किसानों का हित ही देखिए, किसान असली अपनी बात, किसानों का हित ही देखिए, लेकिन लड़ लीजिए, राजनीतिक हो जाएगा, आप लड़ लीजिए भाई, हम वोट देते नहीं। अश्वनी जी, किसान किसान चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं वहां पर। पारुल जी, ये पहली पार्टी नहीं है सत्ताधारी, हमने बताइए किस सरकार के खिलाफ आंदोलन ने किया है, चाहे बसपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार, किसानों की नाराजगी तो हमेशा से रही है सरकार से। अभी बता रहा हूँ, अभी 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 ताजा लीजिए विनोद जी, हनुमानगढ़ राजस्थान में किसानों को लाठियों से पीटा गया, जिस दिन वहां सरकार आई कांग्रेस की, उस दिन राहुल गांधी गए और कहे कि 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ होगा, और आज पुलिस उनको आरती लेकर खोज रही है। कितना आंदोलन आपने किया जरा बता दीजिए, 7.35 रुपया वहां बिजली है, आपने उसके लिए कितना आंदोलन किया, मुझे 3 सवाल बताइए कि आपने किया हो आंदोलन, तो किसान कहते हैं आप है। नहीं, हम राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान में राजस्थान के किसान, अरे जाएंगे क्या, जाएंगे क्या भाई, क्यों नहीं गए, लाठियों से पीटा गया, उनसे तो गए नहीं आप लोग, क्यों नहीं गए, विपक्ष में भाई, किसान की तरह हमको विरोधी कह रहे हो, विपक्ष में आप चले जाइए वहां, आप हमको विरोधी कह रहे हो, आप हितैषी हो तो जाओ ना, आप विरोधी हैं, विरोधी कह रहे हो ना, किसान विरोधी कह रहे हो। विरोध जी, जब नाराजगी आपकी है तो बीजेपी थोड़ी आपके लिए आंदोलन करेगी या विरोध करेगी, आवाज तो आप ही उठाएंगे। पारुल जी, सब जगह आंदोलन है, सब जगह आवाज उठ रही है, कौन कह रहा है राजस्थान नहीं उठ रही है, सब जगह उठ रही है, अरे कौन कहीं ऐसा दिख तो नहीं रहा है विनोद जी, विनोद जी, ना तो ऐसी तस्वीरें आती हैं, ना ऐसी खबरें सामने आती हैं। राकेश जी भी गए हैं, हमारे सब नेता गए हैं, युद्धवीर जी भी गए हैं। चलिए ठीक है, हो सकता है राकेश जी ऐसी पहुंच गए और किसी को कानो कान खबर भी ना लगी हो आपको। चलिए अश्वनी जी और विनोद जी, आप जहां अपने आपको घिरा मानते हैं वो आप ट्रैक बदल देते हैं,
मैंने किसानों की बात की। ट्रैक तो विनोद जी आप भी बदलते हैं, ट्रैक तो आप भी बदलते हैं, बात तो आप भी नहीं मानते, जिम्मेदारी तो किसी चीज की आप भी नहीं लेते। चलिए ठीक है विनोद जी, आप सभी को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी क्योंकि समय नहीं है, समय खत्म हो चुका है। विनोद जी, अश्वनी जी और स्वामीनाथ जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो ऐसे में अब आज एक बार फिर से लखीमपुर खीरी की हिंसा को लेकर किसानों की तरफ से आज पूरे देश में रेल रोको आंदोलन किया गया था। हालांकि इसका कहीं पर असर दिखा, कहीं पर नहीं दिखा, कहीं पर प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए नजर आया और सुरक्षा कर्मियों को पहले से ही तैयार कर दिया गया था, तैनात कर दिया गया था, लेकिन कई जगहों पर इसका पूरा असर देखने के लिए मिला। ऐसे में सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर इतने महीने से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अब लखीमपुर खीरी की हिंसा को लेकर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की लगातार मांग की जा रही है, इन सबके बाद इतना सब होने के बावजूद भी सरकार आखिर चुप क्यों है, या फिर किसान आंदोलन का क्या अंत आ चुका है और जल्द ही यह आंदोलन खत्म होने की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इसी पर आज हमने इसीलिए चर्चा की थी क्योंकि लगातार लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर जो देश भर में लोगों का गुस्सा है, किसानों का विरोध है और किसानों का गुस्सा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा और साफ तौर पर किसान ये कह रहे हैं कि जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा अजय मिश्रा को तब तक हम इसी तरह से अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।